हेलो स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में हम कॉन्ग्रेंसी को डिफाइन करते हैं। कॉन्ग्रेंसी हमारी ज्यामिति की एक महत्वपूर्ण संकल्पना है। ज्यामिति में हम कॉन्ग्रेंसी मीन्स सर्वांग समता कहते हैं। सर्वांग समता मीन्स सभी प्रकार से समान। जैसे कि यहाँ पे आप दो पिक्चर देख रहे हैं, यदि हम इन इमेज को अगर मूव करें तो एक इमेज दूसरी इमेज को पूरी तरह क्या कर लेती है, ढक लेती है। तो इस इमेज एक इमेज दूसरी इमेज को पूरी तरह ढक लेती है, क्योंकि ये दोनों ही पूरी तरह से सर्वांगसम है, यानी एक समान है, हूबहू एक जैसे हैं। यदि ये लेंथ और ये लेंथ अगर सेम ना होती और ये लेंथ सेम ना होती, तो ये पिक्चर या इमेज एक दूसरे को पूरी तरह से ढकते नहीं। तो जब कोई दो इमेज हमारी एक दूसरे को पूरी तरह से कॉन्साइड कर ले, ढक ले, तो हम कहते हैं कि हमारी ये दो इमेज आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंसी में सर्वांगसम है। आइए और दूसरे एग्जांपल से इसको समझते हैं। यदि हम लाइन सेगमेंट की कॉन्ग्रेंसी को डिफाइन करें, लाइन सेगमेंट मीन्स रेखाखंड। यदि रेखाखंड हमारे सर्वांगसम होंगे या कॉन्ग्रेंट होंगे, तो डेफिनेटली उनकी एक लेंथ दूसरी लेंथ की क्या होना चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। लाइन सेगमेंट ए बी की जो लेंथ होनी चाहिए, लाइन सेगमेंट ए बी ए डैश बी डैश के इक्वल होना चाहिए, और तभी वो एक दूसरे को पूरी तरह से क्या कर लेंगे, ढक लेंगे। तो दो लाइन सेगमेंट अगर हमारे कॉन्ग्रेंट होंगे तो डेफिनेटली उनकी लेंथ क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। यदि टू एंगल्स अगर हमारे कॉन्ग्रेंट है, इट मीन्स ऑफ दैट उनकी जो माप है, उनका जो मीजरमेंट है, वो सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये एंगल 50.4 डिग्री का है, तो ये भी एंगल 50.4 डिग्री का होना चाहिए, तभी एक एंगल दूसरे एंगल को पूरी तरह से क्या कर पाएगा, ढक पाएगा। ओके, तो हमारे दो एंगल कॉन्ग्रेंट एंगल तभी होंगे जब उनकी जो मेजरमेंट होगी वो सेम होना चाहिए। इस एंगल का मेजरमेंट इस एंगल के मेजरमेंट के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी हमारा जो फिगर है एक एंगल दूसरे एंगल को क्या कर लेगा, पूरी तरह से ढक लेगा। तो किन्हीं भी दो कोणों को सर्वांगसम होने के लिए उनका जो मेजरमेंट होना चाहिए, उनके कोणों की जो माप होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर हमारे टू सर्किल कॉन्ग्रेंट है, कॉन्ग्रेंट मीन्स एक सर्किल दूसरे सर्किल के ऊपर पूरी तरह से क्या हो जाना चाहिए, ढक लेना चाहिए। तो सर्किल का हमारा दो सर्किल हमारे इक्वल कब होंगे, जब हमारे उनकी जो रेडियस है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो दो सर्किल के कॉन्ग्रेंट होने के लिए उनकी रेडियस क्या होना चाहिए, यानी त्रिज्या क्या होनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो हमारे दो सर्किल अगर कॉन्ग्रेंट होंगे, सर्वांगसम होंगे, तो उनकी रेडियस क्या होंगी, इक्वल होंगी। यदि एक क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज दूसरे क्वाड्रिलेटरल के कॉन्ग्रेंट है, इट मीन्स ऑफ दैट जो लेंथ होनी चाहिए उसकी ऑल फोर साइड, ये साइड की लेंथ इस साइड के इक्वल होना चाहिए, इस साइड की लेंथ इस साइड के इक्वल होना चाहिए, और ये साइड की लेंथ आपकी इस साइड के इक्वल होना चाहिए। मीन्स ऑल फोर साइड क्या होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड उनकी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग साइड मीन्स ऑफ दैट उनके संगत भुजाएं, ए डी के संगत भुजाएं हमारी ये वाली हो जाएगी, बी सी की संगत भुजा हमारी ये वाली होगी, ए से बी की संगत भुजा हमारी ये वाली हो जाएगी। मतलब हमारी संगत भुजाएं बराबर होना चाहिए। क्या संगत भुजाएं बस बराबर होंगी तो क्या हमारे क्वाड्रिलेटरल कॉन्ग्रेंट होंगे? नहीं। जब हमारा ये एंगल अगर इस एंगल के इक्वल नहीं होगा, तो वो जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है, एक क्वाड्रिलेटरल दूसरी क्वाड्रिलेटरल को पूरी तरह से ढकेगा नहीं, यानी एक एक समान नहीं दिखाई देगा। तो क्वाड्रिलेटरल के कॉन्ग्रेंट होने के लिए उनकी ऑल फोर साइड जो करस्पॉन्डिंग साइड है, संगत भुजाएं हैं, वो बराबर होना चाहिए। साथ ही साथ उनके संगत कोण भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होना चाहिए, एंगल सी आपका इस एंगल के बराबर होना चाहिए, एंगल डी आपका इस एंगल के बराबर होना चाहिए। मीन्स ऑल फोर करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होना चाहिए, और करस्पॉन्डिंग ऑल फोर एंगल्स भी हमारे क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो एक इमेज दूसरी इमेज के कॉन्ग्रेंट होने के लिए हमारी सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि दोनों पिक्चर हूबहू एक जैसे दिखाई देना चाहिए, तभी वो एक दूसरे के ऊपर पूरा कवर अप करेंगे। जैसे यहाँ पे ये ड्राइंग की जो अगर ये एंगल है, तो ये एंगल हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल होना चाहिए। ओके, तभी वो एक दूसरे को आपस में पूरे क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो
यदि दो पिक्चर हमारी हूबहू एक जैसे दिखाई देती है, तभी वो एक दूसरे को पूरी तरह से क्या कर लेती हैं, ढक पाती हैं, तो वो हमारे पिक्चर क्या कहलाते हैं, कॉन्ग्रेंट फिगर्स कहलाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इमेज टिकट जो है हूबहू एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, तभी वो आपस में एक दूसरे को क्या कर पा रहे हैं, ढक पा रहे हैं। हमारी ये अनदर थ्री इमेज ऐसे हैं, वो भी आप एक दूसरे को पूरी तरह से ढक पा रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे हूबहू एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। उनकी जो लेंथ है, उनके जो एंगल्स हैं, उनके जो साइज है, उनका शेप है, वो पूरा एक तरीके से क्या है, सेम सेम है। तभी वो हमारे फिगर क्या कहलाते हैं, कॉन्ग्रेंट फिगर कहलाते हैं। तो आइए इसी के बेस पे अब हम कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल को डिफाइन करते हैं। त्रिभुजों की सर्वांग समता को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे अगर देखें तो फर्स्ट ट्रायंगल ए बी सी जो ट्रायंगल है, और एक्स वाई जेड दूसरा ट्रायंगल है। ये दोनों ही ट्रायंगल हूबहू एक जैसे हैं, और दोनों ही एक दूसरे को कम्प्लीटली अब क्या कर ले रहे हैं, ढक ले रहे हैं। तो दो ट्रायंगल आपके सर्वांगसम होने के लिए है। अब हमें देखना है कि ये जो लेंथ होनी चाहिए, साइड लेंथ आपकी ए बी की जो लेंथ होनी चाहिए, वो एक्स वाई के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। साइड लेंथ ए बी जो होगा, साइड लेंथ एक्स वाई के इक्वल होगा। ओके, तो ए बी की जो लेंथ होनी चाहिए वो लाइन सेगमेंट या साइड लेंथ एक्स वाई के इक्वल होना चाहिए। एंड बी सी की जो लेंथ होगी आपकी, बी सी वाई जेड के इक्वल होना चाहिए। ओके, तो सेकेंड बी सी की जो लेंथ होगी वो आपके वाई जेड के इक्वल होगी। एंड सिमिलरली ए सी की जो लेंथ होगी वो एक्स जेड साइड के इक्वल होगी। ये हमारी साइड हो गई। नेक्स्ट, यदि हम इसको मूव करते हैं तो एंगल ए एंगल एक्स के ऊपर आ रहा है, तो सेकेंड हमारा एंगल ए जो होगा वो एंगल एक्स के इक्वल होना चाहिए। ओके, एंड एंगल बी की जो वैल्यू होनी चाहिए वो एंगल वाई के इक्वल होना चाहिए। एंगल सी आपका एंगल जेड के इक्वल होना चाहिए। एंड पॉइंट ए जो है वो कौन साइड किसके करेगा, आपका एक्स को कौन साइड करेगा, संगत शीर्ष कहलाएंगे। पॉइंट बी आपका किसके किससे कौन साइड हो रहा है, आपका पॉइंट ऑफ वाई से कौन साइड हो रहा है। पॉइंट सी किससे कौन साइड हो रहा है, पॉइंट ऑफ जेड से कौन साइड हो रहा है। मीन्स एक ट्राइंगल अगर आपका कॉन्ग्रेंट है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए बी की लेंथ एक्स वाई के इक्वल है, ए सी की लेंथ एक्स जेड के इक्वल है, बी सी की लेंथ आपकी वाई जेड के इक्वल है, एंगल ए आपका एंगल एक्स के इक्वल है, एंगल बी एंगल वाई के इक्वल है, एंगल सी आपका एंगल जेड के इक्वल है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि हमारे ट्रायंगल ए बी सी जो होगा, ट्रायंगल एक्स वाई जेड के क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा। और हम कॉन्ग्रेंसी का जो साइन यूज करते हैं, हम ऐसे लिखते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल। देखिए अब यहाँ पे हमारा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ए पॉइंट किसके ऊपर हमारा कौन साइड हो रहा था, एक्स के। तो ए पॉइंट एक्स से कौन साइड हो रहा है, तो पहले हम एक्स लिखेंगे, ए बी सी। एंड बी पॉइंट किससे कौन साइड हो रहा है, आपको वाई से, तो हम लिखेंगे वाई। एंड सी पॉइंट किससे कौन साइड हो रहा है, जेड से, तो हम लिखेंगे जेड। हैंस ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू एक्स वाई जेड। हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते, वाई एक्स जेड या जेड एक्स वाई नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। जो पॉइंट जिसके ऊपर आपका कॉन्ग्रेंट होगा, यानी जो संगत शीर्ष होता है, ए पॉइंट आपका एक्स के ऊपर जा रहा है, बी पॉइंट आपका वाई के ऊपर जा रहा है, सी पॉइंट आपका जेड के ऊपर जा रहा है, तो हम इसी पैटर्न में दो ट्राइंगल की कॉन्ग्रेंसी को डिफाइन करते हैं। तो किसी भी दो ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट होने के लिए उनकी संगत भुजाओं की यानी करस्पॉन्डिंग साइड की लेंथ इक्वल होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, और हमारे जो शीर्ष हैं ए से एक्स, बी से वाई और सी से जेड क्या होना चाहिए, एक दूसरे को क्या करना चाहिए, ऑक्यूपाई करना चाहिए, तभी हमारे ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। अब यहाँ पे आप दो ट्रायंगल देख रहे हैं, ए बी सी
एंड पी क्यू आर। अब इसको हम मूव करें तो हम देखते हैं कि ये दो ट्राइंगल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ऑक्यूपाई कर रहे हैं, एक दूसरे को पूरी तरह से क्या कर रहे हैं, ढक ले रहे हैं। बट पॉइंट पी जो है आपका पॉइंट सी से कॉन्साइड हो रहा है, पॉइंट क्यू आपका बी से कॉन्साइड हो रहा है, एंड पॉइंट आर जो है ए से कॉन्साइड हो रहा है। ओके तो हम लिखेंगे कि ट्राइंगल ए बी सी किसके कॉन्ग्रेंट होगा, जिस सबसे फर्स्ट यहाँ पे पॉइंट ए जो है पॉइंट आर से कॉन्साइड हो रहा है, तो हम लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए, ए पॉइंट का सबसे फर्स्ट, ए पॉइंट किससे कॉन्साइड हुआ आपका आर से, ए का जो संगत शीर्ष है वो आर हुआ, एंड बी नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बी है तो बी पॉइंट किससे कॉन्साइड हो रहा है आपका क्यू से, तो इट इज अवर क्यू, एंड देन सी पॉइंट किससे कॉन्साइड हो रहा है आपका पी से, तो हम लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल आर क्यू पी। अब ए बी की संगत जो भुजा है, ए बी का अगर हमसे पूछा कि ए बी की संगत भुजा बताइए, तो ए बी जिस जिसके संगत है मीन्स ए बी को कौन कवर कर रहा है आपका, आर क्यू कवर कर रहा है, तो ए बी की संगत भुजा हम क्या लिखेंगे, आर क्यू। नेक्स्ट यदि हमें ए सी से संग ए सी का संगत भुजा देख रहा है पूछ रहा है, तो ए सी का संगत भुजा आपका क्या होगा, आर पी। हम यहां से भी लिख सकते ए से सी एंड आर से पी, मीन्स फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, तो इसमें भी हमारा फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है आर पी। अगर आपको पूछ रहा है बी सी की संगत भुजा, तो बी सी की संगत भुजा हमारी क्या होगी, क्यू पी। अगर हम इसमें भी देखें तो बी सी की संगत जो भुजा आएगी वो हमारी क्या आएगी, क्यू पी। तो बी सी की जो करस्पॉन्डिंग साइड है उसकी जो संगत भुजा है वो हमारा क्या है, इट इज इक्वल टू क्यू पी। ओके अब ये हमारी होगी करस्पॉन्डिंग साइड की बात। अब एंगल की बात करते हैं, एंगल ए किससे करस्पॉन्डिंग कर रहा है, एंगल आर से। यहाँ से भी लिख सकते हैं आप एंगल ए करस्पॉन्डिंग टू एंगल आर, एंगल बी करस्पॉन्डिंग टू एंगल क्यू, एंगल सी करस्पॉन्डिंग टू एंगल पी। सेम पैटर्न में हम अगर इसी ऑर्डर में लिखेंगे तो हमारा एंगल भी उसी ऑर्डर में जाएगा, तो एंगल ए करस्पॉन्डिंग टू एंगल आर, ये हमारा करस्पॉन्डिंग यानी संगतता को सिद्ध कर रहा है। एंगल ए किसके करस्पॉन्डिंग है आपका, एंगल आर के। नेक्स्ट एंगल बी पॉइंट किसके करस्पॉन्ड करेगा आपका, एंगल बी एंगल क्यू के। यहाँ भी बी, यहाँ भी सेकंड पोजीशन में आपका बी है। ओके नेक्स्ट एंगल सी आपका किससे करस्पॉन्ड करेगा, एंगल सी एंगल पी से करस्पॉन्ड करेगा। यहाँ भी सी पॉइंट आपका लास्ट में, यहाँ भी आपका सी पॉइंट क्या है, लास्ट में है। ओके